अब ना करो जजमाना एक घाटे मान लिया एक चंदन लगा तो सब रुपया तैयार है बा। मैं सवारी अगर आएंगे वही तो पक्का यमनपुर में विश्वास करते हैं क्या चंदन ला के ना तो 300 रुपया बन गए। तुहे हम क्या बताई चंदन का है बुला लिया जा दूर लेके आ। जवन लूटा था वही लूटा हाँ ना अब देखा तेल जरा तेली का कार फटे मसल की पे यह खबर ना हम लगा वो पैसा हम ले तू कहाँ कहाँ फटे दिया भाई यह खबर हाँ कि हफ्ता बहुत रुपया क्या अब लूटे ना तो बा और बाप राजबा बाप ना है आजक राजबा आजा चला गया अच्छी बात तो आजा चला हमारे तो हर सामना भावा हमसे तुमसे बात हो आवाजा पर आजा क्या बुलाओ थे हाँ क्या करवा तू हम जोन कर रहे हैं कौन कर लेकिन तू हमारे काम में दखल ना दिया ये सब तुमका खेत में दिखाता है बताओ एक अच्छा तू है गंगा नदी दिखा दिया गंगा नदी साथ ये सब नहाता है नहाता बैठ के बूढ़ा दाग नहाता अरे खचुआ अरे खचुआ तोरे अखिया मोतिया बिंद हो गए बा वो दिखाई ना कर बाबा हां अखिया के फोड़ी आप लियो आप कोरे आ रहे हैं हां बच्चा हे देखा नागधारी पंडा अरे वाह ओ नहीं महाराज ये झूठ बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप मेरे जजमान हैं ये न कहना आपके जजमान हुए हैं ये कदम अगर तुहार जजमान हुआ तो इनके बंसावली सुना दिया तो जानी तुहार जजमान हुए अगर जान वक्त तू ही सुना दिया हम तो हम सुनाओगे कर हम तो दावा ना कर फिर कि हमारे जजमान हुए तो हम सुना दिए बोल के मन के हमरे लगे ये अगर तू कहा का कहा के जमाने तो बंसा ने सुनाओ तो जाने बस और का झगड़ा लड़ाई करेंगे जल्दी भागे व्यवस्था करा अच्छा हां ना भाई सुनिए महाराज ये सब आपको धोखा दे रहे हैं आपके प्राचीन पंडा तो हम ही हैं मैं आपकी पूरी वंशावली सुनाता हूँ सुनावा सुनावा पतिया काहे गिर लगाया सुनावा शांत रहा भैया अरे शांत रहा दादा शांत रहा बच्चा मुस्कंड महाराज आपके वंश में सबसे पहले राजा अभ्यक्त हुए उनके पुत्र ब्रह्मा ब्रह्मा के मारीच हुए मारा मारीच के कच्चप कच्चप के यहाँ सूर्य का जन्म हुआ जिनके नाम पर आपका वंश सूर्य वंश कहा जाता है और सुनिए महाराज सूर्य के राजा मनु के व्यक्ति
व्यस्त के इच्छा पैदा हुए महाराज, इच्छुआ के कौन थी कौन छी के बाण के अनिरक्त पैदा हुए महाराज। अनिरक्त के अमरस पैदा हुए महाराज, अमरस के पिठू के तीर्थंकर, तीर्थंकर के धारी मार पैदा हुए महाराज, धारी मार के राजा जनांश, जनांश के मानधाता, मानधाता के सुसंध पैदा हुए महाराज, सुसंध के दो पुत्र हुए महाराज, एक ध्रुव सिंध दूसरे प्रसन्न जीत, ध्रुव सिंध के राजा अस्त, अस्त के भरत, भरत के राजा सगर पैदा हुए महाराज, जिन्होंने सौ अश्वमेघ यज्ञ किया, जिनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से जलकर खत्म हो गए महाराज, उनके दो पुत्र बचे, एक अश्वमंजन दूसरे अंशुमान, अंशुमान के राजा दिलीप, दिलीप के भगीरथ और महाराज भगीरथ ही इन तरण तारिणी गंगा को इस पृथ्वी पर लाए हैं महाराज। भगीरथ के काकस्थ, काकस्थ के यहाँ राजा रघु पैदा हुए महाराज, उन्हें के नाम पर आपके वंश को रघुवंश कहा जाता है महाराज। राजा रघु के कलमाक पाद के संखन संग उनके यहाँ सुदर्शन पैदा हुए महाराज, सुदर्शन के यहाँ निकट पैदा हुए महाराज, निकट के संतान महाराज जगात पैदा हुए, जगात के यहाँ नाभाग पैदा हुए महाराज, नाभाग के यहाँ राजा अज पैदा हुए महाराज, अज के पुत्र ही आपके पिता महाराज दशरथ है महाराज। ठीक है सूर वंश के पंडित तुम्ही हो, बेटा राम इन्हें दक्षिणा दे दो। जो आज्ञा गुरुदेव। एक बार बोले श्री रामचंद्र की, एक बार बोले